नमस्कार, पंजाब टुडे टीवी पर आपका स्वागत है। पेश हैं आज के मुख्य समाचार। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, पैतृक संपत्ति पर बेटी का हर स्थिति में समान अधिकार। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार 11 अगस्त को बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा है कि एक बेटी को अपने पिता की संपत्ति में बराबरी का अधिकार है। अदालत ने कहा कि संशोधित हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत ये बेटियों का अधिकार है और बेटी हमेशा बेटी रहती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 9 सितंबर 2005 संशोधन के बाद बेटी का भी संपत्ति पर हिस्सा होगा, भले ही संशोधन के समय पिता जीवित था या नहीं। जस्टिस अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाले सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की बेंच ने ये कानून तय किया। जम्मू और कश्मीर घाटी के एक एक जिले में ट्रायल के तौर पर 15 अगस्त के बाद शुरू होगी 4G इंटरनेट सेवा। सुप्रीम कोर्ट में जम्मू कश्मीर में 4G इंटरनेट बहाली की याचिका पर मंगलवार 11 अगस्त को हुई सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार जम्मू और कश्मीर के एक एक जिले में हाई स्पीड इंटरनेट सुविधा ट्रायल के तौर पर शुरू करने को तैयार हो गई है। ये सुविधा जम्मू और घाटी के एक एक जिले में 15 अगस्त के बाद शुरू की जाएगी और फिर 2 महीनों के बाद इसकी समीक्षा की जाएगी। मशहूर शायर राहत अंधूरी भी हुए कोरोना संक्रमित, खुद ट्वीट करके दी जानकारी। मशहूर शायर राहत इंदौरी कोरोना वायरस की चपेट में आ गए हैं। मंगलवार 11 अगस्त को उन्होंने खुद इसकी जानकारी ट्विटर के जरिए दी। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के शुरुआती लक्षण दिखने पर कल मेरा कोरोना टेस्ट किया गया जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। अरविंदो हॉस्पिटल में एडमिट हूँ, दुआ कीजिए जल्द से जल्द इस बीमारी को हरा दूं। बेरूत धमाके को लेकर लेबनान सरकार का इस्तीफा, विस्फोट में 160 की मौत और 3 लाख लोग बेघर। लेबनान की राजधानी बेरूत में पिछले सप्ताह हुए धमाके को लेकर मंत्रिमंडल ने इस्तीफा दे दिया है। कई मंत्रियों के इस्तीफे और कुछ मंत्रियों के पद से हटने की इच्छा जाहिर करने के बाद बने दबाव में ये फैसला किया गया। आपको बता दें कि धमाके के विरोध में बेरूत में पिछले 2 दिनों से प्रदर्शनकारी और सुरक्षा बलों के बीच झड़प चल रही है। गौरतलब है कि गत 4 अगस्त को हुए विस्फोट में 160 लोगों की मौत हुई थी और लगभग 6000 लोग घायल हुए थे। इसके अलावा देश का मुख्य बंदरगाह नष्ट हो गया था और राजधानी के बड़े हिस्से को नुकसान हुआ था। राजस्थान में कांग्रेस सरकार पर खतरा टला, राहुल प्रियंका से मिलकर माने पायलट। राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ बगावती तेवर अख्तियार करने वाले सचिन पायलट अब मान चुके हैं। इसी के साथ पिछले कई दिनों से जारी सियासी संकट अब टलता दिख रहा है। हालांकि सचिन पायलट को मनाने के पीछे कांग्रेस के युवा ब्रिगेड यानी राहुल और प्रियंका गांधी का हाथ है। दोनों दिग्गजों की ही पहल पर सचिन पायलट एक बार फिर से गिले शिकवे भुलाकर लौट आए हैं। पायलट ने ट्वीट कर सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का धन्यवाद भी किया। कैप्टन ने एक बार फिर मोदी से मांगी मदद, साथ ही कुछ सुझाव भी दिए। प्रधानमंत्री मोदी ने आज कोरोना महामारी को लेकर 10 राज्यों के मुख्यमंत्रियों से मुलाकात की। बैठक में पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह भी उपस्थित थे। इस बीच पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने 30 सितंबर तक परीक्षा आयोजित करने के लिए UGC के फैसले पर पुनर्विचार करने के लिए PM मोदी से अपील की। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब में कोरोना महामारी आगे भी बढ़ सकती है। कैप्टन ने छात्रों को पिछली परीक्षाओं के आधार पर प्रमोट करने की बात कही। इसी के साथ कैप्टन अमरिंदर सिंह ने स्कूलों की ऑनलाइन शिक्षा संरचना के लिए केंद्र की मदद मांगी। कैप्टन ने कोरोना महामारी से निपटने के लिए एक वित्तीय पैकेज की भी मांग की है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब टुडे टीवी। इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज़ प्लीज क्लिक द बेल आइकन।